हेलो चिल्ड्रन, मैं अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से मोर शब्द से पिकॉक यानी मोर का चित्र बनाना सिखाएंगे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा तो आपको जो है मोर शब्द से बहुत ही आसान तरीके से मोर का चित्र बनाना आ जाएगा। आपने बिल्कुल सही सुना प्यारे बच्चों, मोर शब्द से मोर का चित्र कैसे बनेगा इसको जानने के लिए आपको करना क्या होगा, वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। यहाँ पे हम पहले लिख देंगे मोर। प्यारे बच्चों देखिएगा, ये हो गया हमारा माम। आपके बाद यहाँ पे ओ की मात्रा लगा दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा प्यारे बच्चों। और आपसे मेरा एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन भी है, अगर आपको जो है पिकॉक की स्पेलिंग आती है तो आप हमें जो है पिकॉक की स्पेलिंग कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे रा। तो ये हो गया हमारा मोर। अब कैसे बनेगा मोर से मोर का चित्र इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है प्यारे बच्चों। तो देखिएगा अब आपको करना क्या है, देखिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा। यहाँ से आप एक पॉइंट लगा दीजिए, एक पॉइंट यहाँ पर लगा दीजिए, एक पॉइंट यहाँ पर लगा दीजिए। पॉइंट लगाने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पर जो है एक ऐसे हाफ सर्किल बना दीजिए। यहाँ पर हो गया हमारा। फिर इसके बाद आप एक हाफ सर्किल यहाँ पे बना दीजिएगा। और हाँ प्यारे बच्चों, अगर आप केवल वीडियो को देख रहे हैं तो देखिए मत प्यारे बच्चों, मेरे कहने का मतलब है आप जो है मार्कर और पेपर उठा लीजिए और मेरे साथ बनाना शुरू कर दीजिए। जब तक आप मेरे साथ बनाएंगे नहीं प्यारे बच्चों तो आपको कैसे आएगा। यहाँ तक हो जाने के बाद अब देखिएगा, अब यहाँ तक हो गया। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे अंदर की तरफ एक ऐसे उल्टा थ्री लिखिएगा। यहाँ पे इसको ऐसे आगे की तरफ बढ़ाते जाइए, इसी तरह हम यहाँ पे भी आगे की तरफ ऐसे बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद प्यारे बच्चों अब आप हमें जो है टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप वहाँ पर जाइए और हमें जल्दी से फॉलो कर लीजिए प्यारे बच्चों। फिर इसके बाद अब देखिएगा यहाँ तक हो गया हमारा। अब इस माँ को जो है हमें जो है ऐसे ऊपर की तरफ ले जाना है। कैसे ले जाना है इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। यहाँ से ऐसे करते हुए इसको हमें ऐसे यहाँ पे मिला देना होगा। मिलाने के बाद प्यारे बच्चों अब हम आ जाते हैं रा पे। देखिएगा रा की हेल्प से हम कैसे बनाएंगे इसको, पहले तो आप ऐसे आगे की तरफ बढ़ाते हुए यहाँ पे नीचे की तरफ हाफ सर्किल का शेप देते हुए इसको अंदर की तरफ कर दीजिए। फिर इसको हमें बहुत ही आराम से ऐसे डबल कर देना होगा। डबल करने के बाद प्यारे बच्चों यहाँ तक ऐसे आइएगा। फिर इसको ऐसे नीचे की तरफ हाफ सर्किल का शेप देते हुए इसको हमें ऐसे ऊपर की तरफ ले जाना होगा। ऊपर की तरफ हो गया हमारा। अब देखिएगा यहाँ से ऐसे इसको ऊपर की तरफ उठाते हुए फिर नीचे की तरफ आप ऐसे मिला देंगे। फिर इसको भी ऐसे आगे की तरफ बढ़ा दीजिएगा प्यारे बच्चों। आगे की तरफ बढ़ाने के बाद ये जो हमारा ओ की मात्रा है इसको भी बहुत ही आराम से हमें यहाँ पर ऐसे मिला देना होगा। अब यहाँ तक हो गया। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे बनना प्यारे बच्चों, कि आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ तक हो जाने के बाद अब आपको एक यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे सर्किल ड्रॉ कर देना है। और आप हमें जो है पिकॉक की स्पेलिंग कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे इसको मार्कर की हेल्प से आप इसको बहुत ही आराम से ऐसे ऐसे डबल कर देंगे। डबल करने के बाद यहाँ पे भी आप ऐसे कर दीजिएगा, मार्कर की हेल्प से ऐसे ब्लैक करिए। फिर इसके बाद इसको आप ब्लैक कर देंगे, सॉरी प्यारे बच्चों, यानी कि मार्कर की हेल्प से आप ऐसे सर्किल बनाइए, फिर इसको मार्कर की हेल्प से आप ब्लैक कर दीजिएगा। ब्लैक करने के बाद अब देखिएगा यहाँ पे हमारा जो है इसकी हेल्प से ओ की मात्रा की हेल्प से हमें इस पिकॉक का माउथ बना देंगे। यहाँ पे ऐसे चोंच बना दीजिए, फिर इसके बाद छोटी छोटी लाइनें ड्रॉ कर दीजिए और यहाँ पे ऐसे डॉट लगा दीजिए। इसी तरह आप यहाँ पे भी कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, नीचे की तरफ यहाँ पे ऐसे आगे तरफ बढ़ा दीजिए। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे ऐसे नीचे की तरफ करिएगा। देखिए ये हमारा एक पिकॉक यहाँ पे बन तैयार हो गया। इसी तरह आप यहाँ पे भी बना दीजिए नीचे की तरफ ऐसे ऐसे करते हुए। अगर आपके पास स्पेस ज़्यादा है तो इसको थोड़ा सा लंबा कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। फिर यहाँ पे करने के बाद आप यहाँ पे ऐसे वी लिखिए। वी लिखने के नीचे बाद सीधी लाइन ड्रॉ करिएगा। इसके बाद यहाँ पे ऐसे लेग बना दीजिए इसका। इसी तरह सेम प्रोसेस आप यहाँ पे भी कर दीजिएगा। यहाँ पे ये पिकॉक का लेग हो जाएगा। लेग बनाने के बाद एक पॉइंट यहाँ लगा दीजिए, एक पॉइंट यहाँ लगा दीजिए। इसकी हेल्प से आई बना देंगे। आई बनाने के बाद इसको यहाँ से ऐसे मिलाइए, फिर यहाँ पे मिला दीजिएगा। इसको ऐसे डबल कर दीजिए। डबल करने के बाद प्यारे बच्चों अब यहाँ पे भी आप ऐसे थ्री थ्री लिखते जाइए। जैसे यहाँ पे नीचे की तरफ डिज़ाइन बना हुआ है इसी तरह यहाँ पे भी बना दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब हम जो है पिकॉक को कलर करना भी सीख लेते हैं प्यारे बच्चों।